प्रेम जब हद से गुजर जाता है तो उसका क्या नतीजा होता है, इसकी वानगी बिहार के मुंगेर में देखने को मिली। बारात से पूर्व तैयार होने ब्यूटी पार्लर गई दुल्हन को उसके पूर्व प्रेमी ने ब्यूटी पार्लर में घुसकर गोली मार दी। प्रेमिका को गोली मारने के बाद प्रेमी ने खुद को भी जान मारने की नीयत से अपने ऊपर गोली चलाई थी, लेकिन पिस्टल नीचे गिर जाने के कारण उसकी जान बच गई। वहीं गंभीर अवस्था में दुल्हन को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला बिहार के मुंगेर का है। बारात आने के पूर्व तैयार होने के लिए जावेद हबीब सैलून ब्यूटी पार्लर में तैयार होने गई 26 वर्षीय लड़की अपूर्व कुमारी को प्रेमी ने ब्यूटी पार्लर में घुसकर गोली मार दी। गोली लड़की के बाएं साइड कंधे के पीछे से लगते हुए दाहिने साइड सीने से बाहर निकल गई। गंभीर रूप से घायल लड़की को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रेफर कर दिया है। इस दौरान प्रेमी ने भी खुद को जान मारने की नीयत से कनपट्टी में सटाकर पिस्तौल से फायर किया, लेकिन पिस्तौल नीचे गिर गया। इस दौरान ब्यूटी पार्लर के एक लड़के ने गोली चलाने वाले युवक अमन कुमार को पकड़ लिया, लेकिन किसी तरह अमन उसके चुंगल से छूट कर वहां से भाग गया। मिली जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशपुर तारापुर दियारा निवासी जितेंद्र सिंह की 26 वर्षीय पुत्री की बीती रात शादी होने वाली थी। बारात आने से पहले लड़की कस्तूरबा वाटर वर्क्स स्थित जावेद हबीब सैलून में तैयार होने गई थी। रात में प्रेमी अमन कुमार ने ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर लड़की को गोली मार दी और खुद भी अपने ऊपर पिस्तौल चलाया। गोली चलाने वाला युवक अमन कुमार महेशपुर गांव निवासी बलराम सिंह का पुत्र बताया जा रहा है, जो पटना में बिहार पुलिस में है। कोतवाली थाना अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि गोली चलाने वाले युवक की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है। इस मामले में ब्यूटी पार्लर में काम कर रही एक युवती ने बताया कि वो काम कर रही थी, तभी युवक अंदर घुस गया और तैयार हो रही दुल्हन को गोली मार दी और खुद को भी गोली मारने की कोशिश की, पर पिस्तौल हाथ से छूट गया और ये सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। वहीं सदर अस्पताल के सीएस ने बताया कि गोली शरीर के किसी भी वाइटल पार्ट्स को नहीं छुई है, जिस कारण लड़की खतरे से बाहर है। मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि लड़की के द्वारा जावेद हबीब में घुसकर लड़की को गोली मारने की घटना घटित हुई है, जिसकी जाँच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। हेलो हेलो, अरे काम कर रखो फोन, अभी रखो फोन, अभी अरे काम कर रखो। जब पिस्टल यहाँ से गिरे ना, फंसेगा ना, तो वो आएगा फिर पकड़ने के लिए। सोनू पकड़ भी लेता है, लेकिन कोई उसका सपोर्ट नहीं करता है यहाँ पे। तो लड़का पकड़ देखिए, फंसा हुआ है, अब आया पकड़ लिया। यहाँ पे क्या हुआ था ये बता दीजिए। कुछ नहीं, हम यहाँ पे बिलिंग कर रहे थे, सडनली मुझे आवाज आई बैक साइड पे कि गोली चल रही है और पुलिस मुझे भी बुलाया गया, तो मैं तुरंत वहाँ पे फिर देखा। मैंने कोशिश भी की, ऐसे नहीं है कि मैंने जैसे कोशिश की तुरंत सबके ऊपर रिवॉल्वर रखा जा रहा था सर से, तो सब लोग पीछे हुए हैं। अंदर में हम जब सामने गए, क्या नाम है, पुलिस चौक से, वहाँ पे हम लेडीज जो भी थी उनको बुलाया, बट उस टाइम भी कोई नहीं सुना। फिर हम तुरंत जो भी हमारी ट्राइबल थी उनको हम ले गए थे तुरंत फोटो करा के हॉस्पिटल में। तो मैम, ये जो यहाँ पे जो महिला आई थी वो क्या क्या चीज का मेकअप कराने के लिए आई थी? ब्राइडल मेकअप आई थी, शादी का, आज उनका शादी है, ब्राइडल मेकअप। वो जो लड़का गोली चलाया था कितने संख्या में आया था ये हमको बताइए आप। हमको संख्या मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कितने लोग थे तब पर भी। सीसीटीवी कैमरा आएगा, उसमें आप चेक कर लीजिए प्लीज। यहाँ पे क्या व्यवस्था है, खासकर जो स्थिति है यहाँ पे, क्या आपको गार्ड उड आप प्रतिनिधित्व करते हैं या किसी तरह से ऐसा कुछ? सॉरी, कैसे एंट्री है यहाँ पे सर? सामने हमारा गोली लगी थी, जो हमको जानकारी में मिली कि गोली लगा हुआ, कैसे यहाँ के डॉक्टर आपको इन्फॉर्म किया? चूँकि हमारे यहाँ कोई सर्जन नहीं है और
इसकी आज शादी होने वाली थी। नज़ाकत को देखते हुए हमने डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को रिक्वेस्ट किया और हम उनको लेकर के यहाँ चले आए और आकर के उनको दिखवाया, एक्सरे करवाए, हर जगह का सीटी स्कैन भी कराए, चेस्ट का, एब्डोमेन का, लेकिन बुलेट उसके अंदर नहीं मिला। वाइटल ऑर्गन जो भी है वो ठीक मिला, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि अभी फिलहाल ये खतरे से बाहर है। जी तो सर क्या इसको यहाँ पे भर्ती कर, रेफर तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं लेकिन चूँकि खतरे से बाहर हैं और चूँकि सर्जन नहीं है इसलिए इनको सर्जन की संगति की जरूरत है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यही रखे हुए हैं। अच्छा, तत्कालिक अभी इसकी स्थिति को देखने वैसा किया जाएगा। ये कस्तूरबा वाटर पार्क के बगल में ही जावेद हबीब का ब्यूटी पार्लर है, उसमें एक ब्राइडल मेकअप के लिए अपूर्वा कुमारी को भी लड़की आई थी जिसमें लगा है। वन गन शॉट चलाने का कोशिश किया था, वन गन शॉट मुझे पीठ पे लगा है और वी आर बीन एडमिटेड टू सदर हॉस्पिटल एंड वी आर जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एंड फर्स्ट इंस्टेंस इट हैज कम टू नोटिस दैट कि जो लड़के गोली चलाएं उसका नाम अमन है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं।